हाय गाइस, दिस इज़ एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के बारे में। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है उसके तहत एक वाइफ कैसे अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। आमतौर पर लोगों को बेसिक नॉलेज में इतना तो पता ही होता है कि सेक्शन 125 में हम कोर्ट के अंदर जाते हैं और हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं मैं उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। आमतौर पर हम जब लिटिगेशन शुरू होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, ऑब्वियसली उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वाइफ और हस्बैंड को कोर्ट में आना पड़ता है। वाइफ आमतौर पर 498A की प्रोसीडिंग, जो कि कंप्लेंट CAW सेल में फाइल होती है, फिर उसके बाद उसमें FIR रजिस्टर्ड होती है, 498A की प्रोसीडिंग शुरू करती है। सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग्स भी शुरू करती है और 125 CRPC की भी प्रोसीडिंग शुरू उसमें की जाती है। सेक्शन 125 CRPC की जब प्रोसीडिंग शुरू होती है तो उसमें वाइफ अपनी और अपने बच्चों की मेंटेनेंस क्लेम करती है। जब भी कभी कोई पिटीशन मेंटेनेंस की फाइल की जाती है तो उसके अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं जो जहन में ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वाइफ्स 125 CRPC की पिटीशन फाइल तो करती हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें कई कई साल हो जाते हैं और उन्हें मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से नहीं मिलती है। 125 CRPC की पिटीशन बहुत लंबी होती रहती हैं। वाइफ जिस पर्पज़ से मेंटेनेंस क्लेम करती है वो उनका पर्पज़ ही कंप्लीट नहीं होता, बल्कि एक एडिशनल बर्डन उनके ऊपर फाइनेंस का, अपने एडवोकेट्स की फ़ीस, आना जाना और बच्चों की अकेले रहकर उनकी परवरिश में जो खर्चा होता है वो भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताता हूँ आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है अपनी मेंटेनेंस क्लेम करने से पहले। सबसे पहले, जब भी आप अपनी पिटीशन को ड्राफ्ट करवाते हैं, आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो पिटीशन है उसके अंदर आपको डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूव नहीं करना है। आपको उसके अंदर जो कंटेंट 498A के थे वो प्रूव नहीं करने हैं। आमतौर पर होता क्या है कि जब तीन पिटीशंस एक साथ बनाई जाती हैं, 498A IPC की, सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की और 125 CRPC की, तो ऑलमोस्ट तीनों के कंटेंट्स एडवोकेट्स एक जैसे बनाते हैं, जबकि हमें तीनों प्रोसीडिंग्स के अंदर जो फैक्ट्स हैं, कहानी एक होती है लेकिन हमें तीनों के अंदर अलग अलग चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। 125 CRPC के अंदर जो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, पहला ये कि हमें अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करनी है और मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए मैंडेटरी है हमें प्रूव करना कि हमारे हस्बैंड ने हमें छोड़ दिया है, उसका विलफुल नेगलेक्ट है एंड ही हैज़ रिफ्यूज टू मेंटेन, यानी कि उसने जानबूझकर अपनी वाइफ को छोड़ दिया है और अपनी वाइफ को वो मेंटेनेंस देने से मना कर रहा है। पूरी पिटीशन पर हमारा फोकस इन दो वर्ड्स पे होना चाहिए, क्योंकि जब 125 CRPC की हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर इन्हीं दोनों वर्ड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। सेकंड चीज़ ये है, जब आपके एडवोकेट पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सबूतों के तौर पर, एविडेंसेस के तौर पर अपने हस्बैंड की वो इनकम एड ऑन करनी है, उसका कोई प्रूफ लगाना है जो उसकी एग्जैक्ट इनकम है। आम तौर पर होता क्या है कि वाइफ्स के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता है जिससे वो अपने हस्बैंड की इनकम को साबित कर सकें और वो उनकी 50,000, 80,000 और 1,00,000 रुपये उनकी इनकम बिना किसी सबूत के पिटीशन के अंदर मेंशन कर देती हैं। और जब वक्त आता है उस इनकम के पॉइंट के ऊपर आर्गुमेंट करने का कोर्ट में, तो सपोर्टिंग में आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं होती है। ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न हो सकती है, अगर आपके पास पैन कार्ड है उसके थ्रू भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आमतौर पर CAs आपको दे देते हैं। वो आपका हस्बैंड अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वहाँ से आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उनकी अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। आम तौर पर अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका GST नंबर के थ्रू आप उसकी
जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो निकलवा सकते हैं। कहने का टोटल मकसद सिर्फ ये है कि आप जब मेंटेनेंस क्लेम करने जा रहे हैं तो कोर्ट आपकी ज़बानी तौर पर या बिना किसी सबूत के आपको मेंटेनेंस नहीं देगा। आपको कोई ना कोई ऐसा प्रूफ कोर्ट के अंदर ज़रूर लगाना है जिससे आपकी कही भी बात या आपने जो अपनी पिटिशन के अंदर जो जितनी मेंटेनेंस आपने क्लेम की है वो आप साबित भी कर सकें। तीसरी चीज़ ये है कि मेंटेनेंस को फुल एंड फाइनल डिसाइड होने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी दो दो तीन तीन चार चार साल पाँच साल भी एक पिटीशन को फाइनल ऑर्डर तक पहुंचने में लग जाता है। इस बीच में आपको अपने एडवोकेट के थ्रू ये भी करना है कि आप इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। पहली डेट पर जब आप और आपकी अपोजिट पार्टी यानी कि हस्बैंड कोर्ट के अंदर अपीयर होते हैं तो आप जज साहब को वर्बल ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप अपनी पिटीशन के साथ भी इंटरिम मेंटेनेंस की एक सेपरेट एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में पिटीशंस बहुत लंबी चलती हैं, बहुत वक्त लगता है, इस बीच में वाइफ को अपना अपने बच्चों का पूरा खर्चा उठाना है, तो आप कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं पहले ही डेट पे कि हमारी इंटरिम मेंटेनेंस ज़रूर डिसाइड कर दी जाए ताकि आपको कुछ ना कुछ खर्चा अपने हस्बैंड से मिलता रहे। 125 CRPC की जब पिटीशन ड्राफ्ट होती है, कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको कोर्ट आना पड़ा है, तो उनकी भी जो ड्राफ्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। जब आप अपने इंसिडेंस को अपने एडवोकेट को नरेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हर इंसिडेंस आपको उसको डेट आपको बतानी है कि कौन सी तारीख में कितने बजे वो इंसिडेंस हुआ था, आपके आसपास में कौन कौन लोग मौजूद थे जो उस वक्त में आपके इस इंसिडेंस को विटनेस कर रहे थे, क्या आपके पास कोई CCTV फुटेज है, क्या आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई ऐसी व्हाट्सएप चैट है जिससे आप ये साबित कर सकें कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ विलफुल नेगलेक्ट किया है, आपको मेंटेनेंस देने से मना कर दिया है और आपको आपके घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया है जिसकी वजह से आज आप एक अबेंडेंड लाइफ को जी रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, और ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा एक अपोजिट काउंसिल जो आपके हस्बैंड का वकील होता है इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर केस को प्रोलॉन्ग करता है, और बाद में चल के अल्टीमेटली होता यह है कि लड़कियों को न्याय नहीं मिलता, मेंटेनेंस नहीं मिलती, उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता और जिस पर्पस से वो कोर्ट जाती हैं वो ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं एड ऑन कर देता हूँ कि अगर आपको 125 CRPC में आपकी कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड कर दी है और उसके बावजूद भी आपका हस्बैंड किसी ना किसी वजह से कभी बीमारी का बहाना बना के डेट ले लेता है, कभी वकील साहब की गैर हाजिरी की वजह से 3 से 4 महीने की एक डेट मिल जाती है, आपके हस्बैंड के लिए तो एक रिलैक्सेशन है लेकिन आपके ऊपर एक एडिशनल वो फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपका हस्बैंड आपको मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है, ज़बरदस्ती बहाने बना रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, उसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और उस आपके हस्बैंड को वारंट उसके निकाल के उसको जेल भी भेजा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रोविज़न हैं जो 125 CRPC से जुड़े हुए हैं। आई होप अगर किसी के साथ कोई भी ऐसा मैटर है कि वो उसे मेंटेनेंस क्लेम करनी है तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखें। आई होप आपको बहुत ज़्यादा कोर्ट में हेल्प मिलने वाली है। और लास्ट में मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।